नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, कल जहां पर खत्म किया था मैथ्स को, अंतिम टॉपिक था अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और अभाज्य संख्याओं को ऐसे तरीके से समझाया जाएगा कि जिंदगी में कोई भी प्रश्न आ जाए आपसे गलत नहीं होगा। बहुत सारों को पता है कि सर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके अंदर खुद का भाग जाए, किसी और का भाग नहीं जाए, इतना सभी को पता है, पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे थोड़ा सा अच्छा लेवल है तो उसको ये पता है सर कि अभाज्य संख्या वे होती है जिसके दो गुणनखंड होते हैं, ये भी सभी को पता है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पेपर में पूछा जाएगा लालाओं, देखिए पेपर में ये पूछा जा सकता है कि बताइए 161 या बताइए 497 या बताइए 1022 ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। और अब आप मुझे बताओ कि ये चीज आपको आती है या नहीं आती है, और अगर नहीं आती है तो आज की क्लास देख लो, समझ में 100% आ जाएगी और ऐसा आनंद आपको आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर। कल जहां कल की क्लास देखना जरूर दोस्तों, आपको उसके अंदर बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, और आज की क्लास देखने के बाद आपको और अच्छी अच्छी जानकारियां मैं दूंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, लाइक जरूर करके जाएं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर होते क्या है दोस्तों, कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए, वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल खुद का भाग जाए, जैसे मैंने बोला आपको 3, जैसे मैंने बोला आपको 2, जैसे मैंने बोला आपको 5। देखिए दोस्तों 3, 2, 5, 3 एक ऐसी संख्या है जिसमें खुद का भाग जाता है, 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें केवल खुद का भाग जाता है, और 5 भी एकमात्र ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है। ऐसे बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती है, और एक और होता है दोस्तों इसके अंदर, एक परिभाषा और याद रखेंगे इसकी, और लगा करके एक परिभाषा और देखेंगे, क्योंकि ये परिभाषा अपने बहुत काम आएगी दोस्तों, ये परिभाषा अपने बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। तो वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, आगे हम आपको सिखाएंगे कि गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। उससे पहले आप ये चीज समझेंगे कि वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, इस लाइन का क्या मतलब है दोस्तों। जैसे मैंने बोला सर 5 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो पहली तरीका तो यह है कि जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए वो अभाज्य संख्या है, और दूसरी बात आप इसमें चेक कर सकते हैं कि एक तो हमेशा सभी का गुणनखंड होता है, एक तो सभी का गुणनखंड होगा, और एक के अलावा स्वयं जो संख्या होती है वो खुद का गुणनखंड होती है। तो बताओ एक इसका गुणनखंड हो गया 5, तो 1 और 5 इसके केवल और केवल कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, इसी वजह से ये कौन सी संख्या है भाई, अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने बोला आपको 3, एक तो सभी का गुणनखंड होता है, और जो 3 है वो संख्या खुद अपने आप का गुणनखंड होती है, मैं अपने आप का गुणनखंड हूं, आप अपने आप का गुणनखंड हो, ऐसे ही 3 अपने आप का गुणनखंड है, तो कम से कम इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2, इसी वजह से। अब जैसे आपके दिमाग में आएगा सर 4, तो देखिए गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर्स या उसके टुकड़े, तो बताओ भाई 4 का गुणनखंड 1 तो होगा ही सही,
दूसरा इसका खुद चार होगा ही सही, और दो का भाग भी चार के अंदर जाता है, दो का भाग भी चार के अंदर जाता है, अर्थात चार का एक टुकड़ा दो भी है, चार का एक टुकड़ा सोलह भी है, चार का एक टुकड़ा आठ भी है, इन सभी में चार का भाग जाएगा, यह चार से विभाजित होने वाली संख्या है, इसी वजह से चार एक अभाज्य संख्या नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतनी सब चीजें आपको समझ में आई होगी दोस्तों, इतना आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों। ये बात तो पहली बात हो गई अपनी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें केवल खुद का स्वयं का भाग जाता है। वो कौन सी संख्याएं होती है बताओ भाई, अभाज्य संख्याएं होती है। दूसरी मैंने आपको सिखाया कि वे संख्याएं या लगा करके इसकी परिभाषा मैंने आपको सिखाई कि वे संख्याएं जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। आपको एक नोट लगा करके एक लाइन लिख लेनी है दोस्तों, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, आप ऐसा पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा भाई। कल मैंने आपके सभी के लगभग सभी के कमेंट्स देखे, सभी के लाइक्स देखे, इतना मुझे भरपूर प्यार मिला दोस्तों, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। पहली लाइन आप ध्यान रखेंगे कि एक से बीस तक कुल अभाज्य संख्या एक से बीस तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है तो वो आपको याद रखनी है दोस्तों, आठ होती है। एक बार गिना के दिखा देता हूं कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है एक से आठ तक। तो बताओ भाई, सबसे पहले होगी दो, अगली होगी तीन, अगली होगी पांच, अगली होगी सात, दो तीन। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक, एक की कहानी अभी कुछ समय बाद बता दूंगा, एक की कहानी कुछ समय बाद जरूर बताऊंगा। दो तीन पांच सात नौ नहीं होती है दोस्तों, उसके बाद होती है ग्यारह, उसके बाद होती है तेरह, और नेक्स्ट होती है बताओ सत्रह, एक दो तीन चार पांच छह सात, और एक होती है दोस्तों 19। ये सभी आठ संख्याएं जो होती है वो एक से बीस तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है भाई, आठ होती है। एक से बीस तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, आठ होती है। अगला पॉइंट बना करके लिख लेंगे, ये सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे भाई आपसे। दूसरा पूछा जाता है कि एक से तीस तक कुल अभाज्य संख्या, एक से बीस तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाती है भाई, दस हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई, दस हो जाती है। कौन कौन सी लिखेंगे, दो तीन पाँच सात ग्यारह फिर तेरह फिर सत्रह फिर उन्नीस और फिर एक होती है तेईस और एक होती है बताओ उनतीस। ये सभी वे संख्याएं होती है दस तक सॉरी दोस्तों, एक से तीस तक ये सभी वो संख्याएं हैं जो बताओ अभाज्य है एक से तीस तक, और उनकी संख्या कितनी है बताओ, दस है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। नेक्स्ट है तीसरी बात, एक से पचास तक कुल अभाज्य संख्या होती है दोस्तों 15। कितनी होती है भाई 15, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 से 30 तक कितनी होती है 10, तो अब बताओ भाई 1 से 50 तक कितनी हो जाएगी 15, 1 से 50 तक कितनी हो जाएगी भाई 15। और चौथा एक और पॉइंट ध्यान रख लेंगे, 1 से 100 तक याद रखेंगे और 1 से 1000 तक याद रखेंगे और 1 से 1000 तक होती है 168 और यहां से यहां तक होती है बताओ भाई 25। बोला सर इतने आंकड़े कैसे याद रखेंगे, लाला अगर तुझे तैयारी करनी है, तुझे तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप का समय, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो तुझे ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि
बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये मत देखिए मेरा कौन सा एग्जाम है क्या है, बस अपने को मेहनत करना है और मेहनत भी सही डायरेक्शन में करना है, स्ट्रेटेजी से करना है, रणनीति के तहत तैयारी करना है, सही जगह पढ़ना है, ताकि तभी सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। और सिलेक्शन आपको दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप साथ बनाए रखिएगा दोस्तों, साथ बनाए रखिएगा। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है, 1 से 100 तक 25 होती है और 1 से 1000 तक की 168 अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। भाई आगे देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने 1 को इंक्लूड नहीं किया। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, समझना ध्यान से। टीचर इसको रटा देते हैं, 1 तो ना तो अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। आज मैं आपको उसका कारण बताता हूं, क्योंकि 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या कारण है उसके पीछे वो सुनो ध्यान से एक बार। मैंने भी आपको एक अभाज्य संख्या की परिभाषा बताई थी, मैंने अभाज्य संख्या की आपको क्या परिभाषा बताई थी बताओ, कि वे संख्याएं जिनके केवल न्यूनतम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2। न्यूनतम कितने गुणनखंड होने चाहिए बताओ, 2। लेकिन आप अगर 1 को लेते हो तो मैंने बताया 1 तो सभी का गुणनखंड होता है और एक संख्या खुद का गुणनखंड होती है, तो उसका 1 हो गया, तो ये तो 1 तो वैसे भी ऑलरेडी है, तो बताओ कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन इसका तो गुणनखंड कितना है, केवल 1 ही गुणनखंड है। इसी वजह से 1 को न तो भाज्य माना जाता है ना ही अभाज्य माना जाता है, 1 को न भाज्य माना जाता है और ना ही अभाज्य माना जाता है। तो मैं नोट बनवा करके ना ही लिखवा देता हूं एक आपको, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। अगला स्टार लगा करके, बताओ भाई किसी को अगर इस चीज का आंसर पता हो तो, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। बताओ भाई सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी होती है, बताओ भाई सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी होती है, बताओ सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है भाई दोस्तों कितने होती है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो बताओ भाई वो कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और 1 ना तो सम है और ना ही, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, बताओ भाई। ये तीनों चारों पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए, उम्मीद करता हूं कि आप तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए दोस्तों, अब मैं आपका आज की मेन जो मुद्दा है जिसके लिए आज अपन क्लास में बने हैं, मैंने आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा बताई, अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी होती है, 1 से 1000 तक कितनी होती है, 1 से 20 तक कितनी होती है, 1 से 50 तक कितनी होती है, 1 से 30 तक कितनी होती है, एक ना एक जो होती है वह न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। ये सभी बातें मैंने आज आपको सिखाई। अब जो मेन मुद्दा है जो आज मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, वो देखिए आप। सबसे पहले तो दोस्तों मैथ का एक मूल मंत्र है कि कम से कम आपको 20 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए भाई, कम से कम आपको 20 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए भाई। अगर 20 तक के स्क्वायर याद है तो आपको बहुत चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि आगे आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह पढ़ाने वाला हूं आगे,
तो वो आपके ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपका जो दिल है और जो दिमाग है वो भाव विभोर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक, एक क्वेश्चन को करने का अगर एक तरीका टीचर बता रहा है, इसका मतलब वो उस टीचर ने वो तरीका रटा हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि टीचर को अगर एक प्रश्न बताना है तो कम से कम विद्यार्थी को 3 से 4 तरीके बताओ, ताकि बच्चे के दिमाग में कौन सा तरीका कब क्लिक कर जाए, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। आज मैं आपको जो अभी सिखाने वाला हूं दोस्तों, सबसे पहले मैं सिखाने वाला हूं कि 161 आपसे प्रश्न कैसा आएगा। पहला वाला प्रश्न लिख के बता देता हूं, बताइए 161 अभाज्य है या नहीं। आपको बताना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। प्रश्न बिल्कुल ही आसान, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। सभी मैं लिखवा दूंगा, अभी पेन कॉपी को बंद करके रख दो, सभी मैं सिखा दूंगा, सिखाने के बाद आपको लिखवा दूंगा और उसको नोट कर लेना, काम हो जाएगा भाई। 2 प्रश्न आपको फिर मैं आज भी दूंगा और उन प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है, और कमेंट बॉक्स के अंदर उन सभी प्रश्नों का जवाब देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करना है भाई। सीखेंगे ध्यान से एक बार। देखो भाई, सबसे पहली स्टेप होती है कि 161, इससे पहले का आपको मैं एक बार यहां पर स्क्वायर लिख के दिखा देता हूं एक बार, ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। देखिए दोस्तों, मैं इतने ही बेसिक से पढ़ाता हूं और इससे ले जा करके मैं आपको जो है कहां तक ले जाऊंगा ये आपको पता नहीं लगेगा कि मेरी क्लासेस का लेवल क्या होता है। CGL मेंस तक के आपको ले जाया जाएगा दोस्तों। 5 का स्क्वायर फिर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 49। ये सभी को याद होगा दोस्तों, मुझे पता है सभी को ये याद है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा रहा हूं क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य है ये आपको मैथ्स सिखाना मेरा एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों। 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर 161। आप खुद करेंगे भाई, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 161 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये आपको कैसे पता करना है। तो सबसे पहली स्टेप इसकी ये रहेगी, मैं कहता हूं कि आप 2 प्रश्न मेरे साथ समझो, पेन कॉपी सबको बंद कर दो और 2 प्रश्न मेरे साथ सीखो। 3 प्रश्न मैं आपके लिए दूंगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है भाई। पहली स्टेप, आप 161 से जस्ट पहले का, 161 से जस्ट कम वाला स्क्वायर देखो, 161 से जस्ट कम वाला स्क्वायर देखो, 161 से जस्ट कम वाला स्क्वायर कौन सा आ रहा है, 144। देखो 169 तो इससे ज्यादा हो जाएगा ना, तो 161 से जस्ट कम वाला देखो, तो 161 से जस्ट कम वाला वर्ग कौन सा है, 144। तो लिख दो भाई 144, बताओ क्या लिख दोगे, 144। पहला स्टेप समझ में आ गई, 161 से जस्ट कम वाला स्क्वायर देखना है तो वो बताओ 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। अब 144 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 12 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है बताओ भाई, 12 का स्क्वायर होता है। अब क्या करना है, पहली स्टेप तो क्या लिखी सर, उससे जस्ट पहले वाला आपको या जस्ट कम वाला स्क्वायर देखना है। जस्ट कम वाला जैसे स्क्वायर देखा आपने, वो किसका स्क्वायर है बताओ, 12 का स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, 12 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिख देनी है। बताओ 12 तक की सभी अभाज्य संख्याओं में सबसे पहली एक मत लिख देना, एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य, अभी सिखाया है, कारण भी बताया है, और नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखो, समझ में 100% आएगा। 2 के बाद 3, फिर आता है 5, फिर आएगा 7, फिर 9 नहीं होता है, 5 के बाद 7, और फिर आएगा बताओ 11, और फिर आ जाएगा उसके बाद 13 को तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 12 से पहले पहले वाली लेनी है, 12 से कम वाली सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है। मैंने सभी अभाज्य संख्याएं लिख दी, 2, 3, 5, 7, 11। अब जो ये संख्याएं आई है, इनको आप जो दी गई संख्या है उससे डिवाइड करो,
डिवाइड करेंगे तो बताओ दो से डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड नहीं होगी, दो से डिवाइड नहीं होगी। फिर मैंने डिवाइड किया तीन से, तीन से डिवाइड करता हूं तो तीन की विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग करो, तो बताओ छह सात आठ अर्थात तीन से भी डिवाइड नहीं होगी। फिर मैंने इसको पांच से डिवाइड किया, नहीं होगी। फिर मैंने सात से डिवाइड किया, देखो सात दुनी चौदह, दो बचे सात या इक्कीस, बताओ सात से डिवाइड हो गई। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। उम्मीद करता हूं ये अभी पहला प्रश्न था, आपको थोड़ा लेंथी लगा होगा, मानता हूं इस बात को, लेकिन पूरी क्लास देखना है, उठना नहीं है आपको, अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का जो है सपना पूरा करना है, तो कुछ कुछ बैठे रहो, कुछ कुछ सीखते रहो और बैठे रहो आराम से। 161 का भी बताया, आगे आगे देखिए आप, मैं आपको क्या क्या सिखा देता हूं दोस्तों, एक बार देखिए, ये सीखिए, अगर आता है तो एक बार करके देखिए। सबसे पहले क्या किया था बताओ, पहली स्टेप बताओ मुझे, जस्ट सर इससे छोटे वाला स्क्वायर बताओ, जस्ट इससे छोटे वाला स्क्वायर बताओ भाई, इससे छोटे वाला स्क्वायर क्या होगा, देखिए भाई 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 होता है 324, 18 का होता है 324 और 19 का होता है 361। तो ये तो ऐसे ही 19 से डिवाइड है, तो इसकी जगह कुछ और ले लो भाई, इसकी जगह कुछ और ले लो, हाँ जी ये ले लो भाई, ये बढ़िया है, ये और सीखने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखो आपको कैसे सीखना है, 299 से जस्ट छोटा वर्ग देखो, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289, 17 का हो गया 289, इसे देखो जस्ट छोटा है, जस्ट छोटा है ना 17 का, तो लिखो 17 का, पूरा समझा देता हूं इसको, ये हो गया 289, इसे जस्ट छोटा ही है ना, और 289 किसका होता है बताओ 17 का। अब 17 तक ये अभाज्य संख्या लिख दो, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 17 से पहले पहले वाली लिख दो सभी, बताओ लिख दी क्या 13। अब भाग लगाओ सभी का इसमें, इसमें भाग लगा, इसमें भाग मत लगा देना, इसमें लगाना है भाग, तो बताओ भाई 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर, 3 का भाग नहीं जाएगा सर, 5 का भाग नहीं जाएगा सर, 7 का भाग लगाओ, 7 चौक 28 बचा 1, 7 का नहीं जाएगा, 11 दूनी 22 और 8, 11 का भी नहीं जा रहा है भाई, 13 दूनी 26 27 28 29, 13 3 39, देखिए दोस्तों 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है भाई, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या ये भी नहीं है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, एक प्रश्न आपके लिए है भाई, अभी करोगे इसको, अभी करोगे, अभी करना है आपको, अभी करोगे आप इसको, आप करोगे 367, करो भाई इसको एक बार करके देखिए, एक बार इसको अब देखिए दोस्तों इसको क्या करना है। सबसे पहले ये इससे जस्ट छोटा वाला स्क्वायर देखो, इससे जस्ट छोटा वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, 369 किसका होता है, 19 का, बताओ भाई 369, 361 किसका है, ये 19 का, 19 का है कि नहीं है 369। अब 19 तक की सभी अभाज्य संख्या लिख दो भाई, 19 तक की सभी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और फिर 17, सबका भाग लगा लगा के देखो, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा भाई, क्योंकि 6 और 3 9, 9 और 7 नहीं जाएगा, 5 का भाग लगा के देखो नहीं जाएगा, 7 का भाग 7 5 35 बचा 1 नहीं जाएगा, 11 का भाग देखिए देखिए एक बार, 11 3 33 34 35 36 37 11 का भी नहीं जाएगा, फिर 13 का दिया मैंने, 13 3 39 13 2 26 नहीं जाएगा दोस्तों, और फिर 17 का भाग देखे देखिए, 17 2 34 35 36 37 17 का भी नहीं जाएगा, इसका मतलब 367 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। क्यों है अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग नहीं जा रहा है, इसी वजह से 367 एक प्रकार की क्या है, अभाज्य संख्या है दोस्तों।
उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है बताओ, दी गई संख्या जो है उससे जस्ट पहले वाला कोई वर्ग संख्या लिखनी है और वो जिस संख्या का वर्ग है वहां तक सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है और सबका भाग दे दे के चेक करना है। अगर किसी का भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब वो क्या है बताओ, एक अभाज्य संख्या है। तो मैं लिखा देता हूं एक बार ये लाइन आपको, दी गई संख्या से जस्ट कम वाला स्क्वायर या वर्ग संख्या लेनी है फिर वह जिस संख्या का वर्ग है वहां तक की अभाज्य संख्याएं लिखकर सभी से भाग देकर चेक करना है। यदि किसी से भाग नहीं जाए तो वह एक अभाज्य संख्या होगी। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दो तीन प्रश्न मैं आपको दे देता हूं करने के लिए। ले लिया होगा भैया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, उनको आप चेक करना कि वो एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। दो प्रश्न मैं आपको देता हूं और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और कमेंट बॉक्स में अगर आप उसका आंसर देते हो तो मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। एक तो है 343, दूसरा है 437। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं दोस्तों। तो आपको दिख ही रहा होगा कि 324 होगा और 324 18 का होता है, तो 18 तक सभी संख्याएं लिख लेना। 437 है तो बताओ भाई 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेना और सभी में भाग देके चेक कर लेना। अगर किसी में भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या है, वो एक अभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आज आपको क्लास जो है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अत्यधिक लोगों तक पहुँचाएँ दोस्तों। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चीज़ों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।